कई ही ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा भीड़। वेरी गुड, माता जी का प्रवेश द्वार जो कि सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग, जिसमें दोस्तों आ गया हूँ मैं दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए। तो आज आप लोगों की इस वीडियो माँ दंतेश्वरी के दर्शन कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो पर बने रहिए आप। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली परिवार वालों को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि इस नवरात्रि अपने फैमिली परिवार वालों में इस नवरात्रि में माँ दंतेश्वरी के दर्शन नहीं कर पाए होंगे किसी भी मतलब कारणवश। तो आप लोगों को मैं घर बैठे दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। लाइन में खड़े होने के बाद मतलब कितने घंटे के बाद दर्शन होगा ये मैं कह नहीं सकता। तो वीडियो पर आप देखते रहिए और माँ दंतेश्वरी के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए और देखिए माँ दंतेश्वरी की दर्शन आप लोगों को करवाता हूँ। तो तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। जय माँ दंतेश्वरी। आप देख सकते हैं दंतेश्वरी माता जी का प्रवेश द्वार जो कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं जय माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ। ये है दंतेश्वरी माता जी का प्रवेश द्वार, आप यहाँ से मतलब एंटर कर सकते हैं। यह प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि आसपास का आप इस तरीके से देख सकते हैं। आसपास का जो माहौल है ना, कुछ इस तरीके से है। इधर से मतलब काफ़ी पब्लिक इधर से आती हुई आपको नज़र आएगी, मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा है इस नवरात्रि में। उसके बाद इधर का आप लाइन देखेंगे ना, इधर का लाइन भी मतलब बहुत ज़्यादा है भीड़। अब देखते हैं, माता के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, तो इस वीडियो पर बने रहिए आप। श्रद्धालुओं की कई ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। नहीं लग रहा है कि हाँ हमारे दर्शन होने संभव हैं, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं हम कि मतलब दर्शन हो पाए। साथ देखते हैं, दर्शन करने की कोशिश करेंगे शाम तक या रात तक, जैसे भी हो पाए। फिर भी देख सकते हैं पब्लिक इतनी ज़्यादा है, मतलब दंतेश्वरी शक्तिपीठ करके उसके बाद यहाँ देखेंगे तो मतलब पब्लिकों की कई ज़्यादा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है ना, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये ध्वजा और खम्भा टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये दंतेश्वरी माता की जो है श्री श्री 108 माँ दंतेश्वरी माई जी करके जो लिखा है, ये वाली है मंदिर माता जी के। फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर से दर्शन करवाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, उधर से लाइन लग के फिर से वापस जाना है, फिर लाइन लग के जाना है, फिर माता जी के दर्शन करना है। देखते रहिए आप वीडियो और ब्लॉग पर बने रहिए, माता जी के दर्शन आप लोगों को घर बैठे करवाऊँगा। पीछे से आप मंदिर को देखेंगे, इतनी बड़ी मंदिर है। इधर हम लोग जा रहे हैं वो है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। माता जी का दर्शन कर लिया, अब यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। ये जो अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो माता के पद चिन्ह, ये जो हम अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो माता की पद चिन्ह के दर्शन। इधर से आगे आप जाएंगे तो आपको भैरव बाबा जी के दर्शन और नज़ारा कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्लियर ही नज़र आएगा संकनी और डंकनी नदी का संगम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से आ रही है नदी और राइट साइड से एक नदी आ रही है, और बीच में यहाँ का दोनों नदी मिल रही है। ये
अभी हम फिलहाल आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए देखने कितने ही श्रद्धालु मतलब लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद इतना लाइन होने के बाद फिर मैं खड़ा हूँ। अब देखते हैं यहाँ भी कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए। उसके बाद फिर आगे मिलते हैं, मतलब सीधा भैरव बाबा के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। बने रहिए वीडियो। देख सकते हैं ऐसी मान्यता है कि उस पत्थर को जो भी उठा लिया उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पैसा वाला बांधो मंत्र वाला। ओम जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमर निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुन शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। अब तो आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आप पहले ये बताइए कि इसकी मान्यता क्या है, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। बताइए इसकी मान्यता, बताइए आप। मान्यता ये है सर कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं भक्ति भाव से यहाँ, उनको एक प्रकार का शांति का अनुभूति होता है कि उनका कार्य हो गया है। अगर वो पत्थर उठता है तो, अगर नहीं उठता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अब ट्राई करने जा रहा है। वाली बेइज्जती। अब आप बताओ आपको कैसा लगा उठा के? उठा ठीक, वेरी गुड। दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है। उसका दर्शन करके बाहर आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से नजारा आ रहा है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा भीड़ है। इधर बहुत से मतलब मार्केट लगाई गई है, मार्केट लगाई गई है, बाजार टाइप का लगा हुआ है जिसमें से बहुत सी दुकानें लगी हुई है और बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो मतलब कई ज़्यादा इधर भी भीड़ है और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोगों के लिए भी